शाजापुर में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर नीलकंठ कॉलोनी रहवासी पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवेदन सौंपे हैं। रहवासियों ने बताया कि पानी की सप्लाई पाइपलाइन 2 महीने से खराब पड़ी हुई है, ऐसे में कॉलोनी में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। रहवासियों का कहना है कि नगर पालिका से टैंकर बुलाना पड़ता है। वार्डवासियों की मांग है कि नल नहीं आए तो नल टैक्स 2 माह का माफ़ किया जाए, साथ ही टैंकरों से पानी घर घर पहुँचाया जाए। कॉलोनी इस पे 2 महीने से ऊपर लगभग 2.5 महीने होने आए हैं, पाइपलाइन टूटी जब से, फिर से इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है, जिसके चलते रहवासियों को पानी की परेशानी आ रही है। और ये समस्या को हम कलेक्टर से लेकर सीओ तक सबको बता चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। आज नल आने का दिन था, लेकिन आज भी नल नहीं आए। जिस प्रसाद से हमारा यही निवेदन है कि 2 महीने से नल नहीं आए तो एक तो नल कर हमारा माफ़ किया जाए, दूसरा हमारे घर पर सभी के लाइन से बिना किसी भेदभाव के नल घर घर डाले जाए टैंकरों से, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग भी हमारी कॉलोनी में जो पानी नहीं भर पाते हैं। वो टैंकर भी आते हैं, कभी कभी टैंकर भिजवाते हैं नगर पालिका वाले, लेकिन कुछ नेता लोग जैसे बैठे हुए हैं हमारे कॉलोनी में, वो पाइप ले जाके अपने अपने घरों में पानी भर रहे हैं, हम लोगों को पानी नहीं मिलता है। और जो भी बुजुर्ग इंसान है जिसके घर में कोई पानी भरने वाला नहीं है, वो टैंकर में से पानी कैसे भरेगा, बाल्टी कौन उठाएगा, कौन लाएगा? और जिसके घर में कोई भरने वाला नहीं है, वो तो ऐसे ही फिर बिना पानी का कहाँ कहाँ से पानी लाए। और नगर पालिका वाले अभी फिर पैसा बढ़ा दिया नल का, 25 रुपये फिर बढ़ा दिया, और जबकि 15 दिन पानी देते हैं, इसके बावजूद